हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आप लोगों के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें से ये पार्ट 6 है और हमने पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और इसमें हम पार्ट 6 में हम जानने वाले हैं डेसिमल क्या होता है, डेसिमल किस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, और हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन नंबर से डेसिमल में कैसे जाते हैं वो सीखने वाले हैं, या डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं वो सीखने वाले हैं, डेसिमल नंबर के अंदर ऐड कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है एंड डिवाइड कैसे किया जाता है, वो सारे टॉपिक्स हम आज क्लियर करने वाले हैं। डेसिमल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपको आज समझ में आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन क्या है, कैसे करते हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर। तो फ्रेंड, व्हाट इज अ डेसिमल? व्हाट इज अ डेसिमल? डेसिमल दिखने में कैसा है? देखिए, डेसिमल का मतलब आप कोई सा भी नंबर होगा आपके सामने, सपोज मान लो ये आपका है, ये तो नंबर है भाई, हाँ मैं मानता हूँ, बट कौन सा नंबर भाई, इसको हम डेसिमल नंबर बोलेंगे भाई। क्यों बोलेंगे भैया? देखो, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। यस भैया, समझ में आ रहा है भैया। इसको देखो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये नंबर तो है, बट कौन सा नंबर कहेंगे इसको, इसको कौन सा नंबर कहेंगे बेटा, इसको बोलेंगे डेसिमल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस नंबर के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है भाई, पॉइंट दिखेगा तो हम कहेंगे ये डेसिमल नंबर। पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर है। पॉइंट दिखते ही कोई क्वेश्चन में कोई नंबर के बीच में डेसिमल दिख जाएगा तो कह देना, कोई पॉइंट दिख गया कोई नंबर के बीच में तो कह देना ये डेसिमल नंबर है। अब इसका कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। और देखिए, ये हमारा भाई है ना, ये नंबर भैया, इसके इसको हम क्या नंबर, नंबर तो है ये, हम मैं तो नहीं कह रहा हूँ नंबर नहीं, नंबर है, बट ये कौन सा नंबर है, तो साफ सुथरा। बट भैया, इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा था, पॉइंट कहाँ होता है भाई, कोई नंबर के, कोई नंबर है उसके पीछे पॉइंट होता है, कोई नंबर है उसके पीछे नंबर मतलब पॉइंट होता है, कोई नंबर है ना, पॉइंट नहीं दिख रहा तो नंबर के लास्ट में होता है, तो इसका, इसको भी हम डेसिमल बोल सकते हैं। और देख लेते हैं, अब यहाँ पर बताइए 94 लिख दिया दोस्त, इसको हम डेसिमल नंबर बोलेंगे, बोलेंगे। अब कहोगे भैया इसमें तो पॉइंट नहीं है, भाई पॉइंट नहीं होता है तो लास्ट में पॉइंट होता है, नंबर के लास्ट में होता है, देखो नंबर के लास्ट में यही है ना, तो पॉइंट हम लगा देते हैं, है ना। तो देखिए, ये नंबर डेसिमल भी, नंबर भी कहलाएगा एंड डेसिमल वाला नंबर भी कहलाएगा। क्यों? हम नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं। ये किस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं वो बात करने वाले, जो डेसिमल नंबर है किस बेसिक पर काम करता है, आप देखे होंगे रुपए, रुपए एंड पैसा, ये दो कॉन्सेप्ट पर काम करता है ये डेसिमल। अब देखिए, ये पॉइंट होता है ना, यहाँ देखिए इसको क्या रीड करिएगा, जल्दी बताइए, 9 रुपीज़ 7 पैसा। तो देखिए, पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस साइड जो LHS है, LHS के साइड और पॉइंट के इधर RHS के साइड, LHS के साथ हमें रुपए रीड करते हैं, LHS के साथ हम क्या रीड करते बेटा, क्या रीड करते हैं, रुपेज, और RHS साइड हम क्या, पॉइंट की साइड क्या रीड करते हैं, पैसा। बस ये कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता है भैया। एग्जाम्पल बता देते, चलो एग्जाम्पल जल्दी बता, इसको रीड करके बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, 94 रुपीज़ 34 पैसा, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए ये वाला, बताइए दोस्त, इसको भी 70 रुपीज़, पॉइंट को उधर 2 पैसा है ना। अब यहाँ पर बताइए, इसको हम बताइए, इसको 74 है ना, 74 है ना, आप इसको कैसे रीड करोगे, 74 रुपये। अब भैया पैसा कितना होगा, भैया पॉइंट लगा दो, पॉइंट नहीं होता है ना, पॉइंट के उस साइड हमें पैसा, तो 00, तो क्या 00 है पैसा, तो नहीं लिखना, लिखो ना लिखो, तो आपको यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई नंबर हो, इस साइड को हम रुपए बोलते हैं, उस साइड वाले को हम पैसा ट्रीट करते हैं, बट कोई साफ सुथरा नंबर है तो उसमें भी पैसे और रुपए का कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब रुपए एंड पैसा का कॉन्सेप्ट आता है, बट हमें मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया, अब मालूम हो गया कैसे, कि इस साइड हमें रुपए बोलते हैं, इस साइड, अब इसको हम रीड करेंगे 70 रुपए 0 पैसा, बोल सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया है तो आपको ये डेसिमल में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, डेसिमल में कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ आपको, फ्रैक्शन नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे जाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर से। अब फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है दोस्त, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि ये बट्टे वाला नंबर, ये बट्टे वाला जो बोलते हैं ना, इसी को फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फ्रैक्शन नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया भैया। और एग्जांपल ले दो भैया, माइनस हो गया, सपोज मान लो माइनस में है, इसको हम
फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे। हाँ भाई, माइनस हो प्लस हो, आपको याद रहना है, बट्टे में दिखेगा ना उसको फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इसी को किस में जाना, डेसिमल नंबर में। फ्रैक्शन से कहाँ जाना, डेसिमल में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ 10 होगा तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर लिखिए 0.2। अब ये कैसे हुआ भैया, यहाँ देखिए ये नंबर के पीछे पॉइंट, कोई नंबर है पॉइंट नहीं दिख रहा, तो लास्ट में होता है इस नंबर के, ये कटा तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो ये फ्रैक्शन में हम कहाँ चले गए, डेसिमल में चला गए। चलिए और भैया समझाओ जल्दी से। चलो यहाँ पर मैं 100 ले लिया, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पॉइंट नहीं है तो भाई कहाँ, यहाँ है, ये कटा तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे, ये गया तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो अल्टीमेट इसका आंसर 4.2, ये आंसर आएगा। यस या नो, यस या नो, दिख रहा होगा अभी। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्या देखिए, अब हमारे पास, चलो एक और ले लेता हूँ, और पॉइंट हमारा अब ऑलरेडी दिखा रहा है, पहले हमें क्या पॉइंट नहीं पता था, बट हमें मालूम है कि पॉइंट नहीं होता, नंबर के लास्ट में होता है, बट अब हमें दिख रहा है। तो क्या ये कटा तो पॉइंट कहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन से डेसिमल में जाने का कौन सा बता रहा हूँ, कोई फ्रैक्शन है अब डेसिमल में जा रहे, तो ये पॉइंट, ये कटा तो पॉइंट आगे शिफ्ट, ये कटा तो पॉइंट आगे शिफ्ट, ये कटा तो पॉइंट आगे शिफ्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.7478। और पॉइंट के इधर 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आंसर आया दोस्त, ये आंसर आया। तो और देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी आ सकता है दोस्त। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट नहीं दिख रहा भाई, पॉइंट नहीं दिख रहा, तो पॉइंट कहाँ होता है दोस्त, जल्दी बताइए, लास्ट में होता है ना। चलिए बट यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये कितने, तो मैं हमेशा याद रखना, नीचे ज़्यादा 0 है और ऊपर में कम नंबर है, नीचे बहुत 0 है और ऊपर में कम नंबर, तो हमेशा क्या करना, नंबर के आगे 2-4 0 और बढ़ा लो, बढ़ा लोगे, यस। अब क्या करूँ, ये कटा पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कटा पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कटा पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यस या नो, यहाँ जाएगा, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 0 पॉइंट, यहाँ से ये मिटा दो, चलो 0, यहाँ पर पॉइंट है 0.97, ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कभी फ्रैक्शन में दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा तो डेसिमल में हमें ऐसे जाना है। चलिए इसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इसको करके दिखाइए आप लोग, इसको 6 वाला यहाँ दे देता हूँ, इसको भी करिए, इसको भी करिए जल्दी से, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पर हम सीख गए फ्रैक्शन से। भैया एक और चीज़ है, आप देखिए, जब हमारे पास 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, तब ऐसा करेंगे भैया, जब हमारे पास इस टाइप का होगा भैया क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे भैया, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 7.42.2×100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस भैया। अब इतने वाले पोर्शन को, ध्यान से देखिए, इतने पोर्शन को मैं अलग से रफली भाग कर लेता हूँ, बट्टे में होता है तो मतलब भाग करना होता है ना, इसको मैं बच्चे बनकर, मतलब छोटा स्टूडेंट बनकर सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर वाले को यहाँ रख देंगे 2.42, और ये 2 से भाग करना है, 100 को रहने दीजिए, बाद में देखेंगे, इतने को रफ सॉल्व करके यहाँ डाल दूंगा, फिर 100 से जैसे ये प्रक्रिया कर रहा था वैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दे दोस्त। अब देखो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो बताइए क्या आएगा, 6.147, ये मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ, ये आपको भाग आ रहा है, ओके, 7 में 14, फिर माइनस गया, कट गया, फिर क्या करेगा, 2 को कैरी कर लेंगे 2 के टेबल में 1, तो इसका आंसर क्या आया भाई, इसको सॉल्व करने पर मेरा, इतने वाले पोर्शन को सॉल्व करने पर 3.71, ओके। अब 100 तो नीचे है ये, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, मुझे पता पॉइंट नहीं है तो कहाँ पॉइंट होता है, यहाँ, ये कटा कहाँ गया पॉइंट, यहाँ, ये कटा तो पॉइंट कहाँ गया, यहाँ, तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 3.71, ये आपका आंसर आ गया दोस्त। थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फुर्ती में, कोई सा भी क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पर मैं ले लूं, चलिए 500 लोग ले लिया, 5 है लास्ट में, 0 0, तो क्या करेंगे, मैंने बोला ना इसको तोड़ना सीखो, पहले तोड़ना कैसे देना, 9.847 लिख लेना है, अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1000 लिख लेंगे। अब मैं क्या बोला, इतने वाले पोर्शन को रफली सॉल्व कर लो, बच्चे बन जाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये रफ पार्ट कर रहा हूँ ना, ये रफ, तो आप समझ जाना, 9847
और इसको यहाँ पर मैं 5 से कट देता हूँ। इसको रफ जल्दी से सॉल्व करिए, तो 1 में से जाएगा 5, 4 इसको कर लीजिए 9, 45, 3 इसको 4, 6, 30, 4, 7, 9, 45, 2, 2 आ गया। ओके, अब फिर क्या करना होता है, मुझे ये कम अब उतारने वाला कोई नंबर नहीं रह गया, तो क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ओके, अब क्या है 5 के टेबल में कितने बार आता है, 5 बार में, तो इसका आंसर आ गया कट गया 4 जा में लगा देता हूँ आपके लिए। तो देखिए मैंने इतने पोर्शन को रफली सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, ये आया। तो मैं इतनी की पोर्शन की जगह ये पूरा आंसर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ लिख दूँ 1969.4 अपॉन क्या कर दूँगा ये 1000 यहाँ लिख देते हैं। अब बच्चे वाले तो हमें कैसे, क्यों भाई ऑलरेडी हमें पॉइंट दिख रहा है, नहीं होता तो नंबर के लास्ट में होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये कटा तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कटा पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कटा तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 1.9694 ये आपका आंसर आ गया दोस्त। देखिए कितना ईजी है। तो आपके पास कोई सा भी मल्टीप्लाई हो, जब आपके हमेशा लास्ट में 0 होगा तो आप क्या करना है, इसको तोड़ देना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना, इतने वाले पोजिशन को क्या करना है रफली सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने पर आंसर यहाँ डालकर ये पॉइंट वाला जैसे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख कर आप डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वही पुराने वाला मेथड से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इस मेथड को फॉलो करते हुए आपका फ्रैक्शन से डेसिमल जाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगा दोस्त। चलिए तो ये आप समझ गए, तो भैया इसके भी दो एक क्वेश्चन दे दूँ क्या, दे दूँ या से नो, चलो दे देता हूँ। चलिए तो यहाँ मैं आपका होमवर्क यहाँ दिख रहा है दोस्त, यहाँ दिख रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको खुद से करना है दोस्त। देखिए जब मैथ आपको तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि भैया का देख रहे हो बस, देखने से नहीं आता मैथ, करने से आता दोस्त। बाकी सब्जेक्ट क्या सुनने से भी आ सकता है, बट मैथ एक ऐसा चीज़ है करने से ही आएगा, सुन कितने भी लो बट करोगे तभी आपको आएगा। चलिए दोस्त तो यहाँ पर मैं कुछ कैसे भी दे दूँ नंबर तो आपको कर लेना है। एंड 4 ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्त, जितना प्रैक्टिस होगा आपका उतना ही क्वेश्चन जल्दी से होगा। तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, करके कॉपी पर दिखाना दोस्त। तो यहाँ पर हमने अभी क्या सीखे बता दे फिर से आपको, अभी हम देखें डेसिमल कैसा होता है एंड किस कॉन्सेप्ट से, मतलब किस कॉन्सेप्ट पर डेसिमल काम करता है, नंबर काम करता है, फिर उस पर हम फ्रैक्शन नंबर से हम डेसिमल की बात करें कि मतलब फ्रैक्शन नंबर दिया है डेसिमल में कैसे जाता। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्त कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, इसके डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं। डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाला नंबर, उसको हम कैसे जाना फ्रैक्शन में जाना। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए 7.72, इसको क्या है, मैं कह रहा ये डेसिमल में तो है, अब डेसिमल में है तो मुझे कहाँ जाना है, तो जल्दी बताइए फ्रैक्शन में जाना है ना, तो क्या करेंगे 72/100। तो देखिए क्या हो गया, समझ में आ रहा है, नहीं दोस्त। अब देखिए पॉइंट है ना, हटा दो, कितने डिजिट के बाद 1, 2, तो उतनी जीरो नीचे आ जाएगा, 1 के साथ 0 आ जाएगा, ये नहीं सब 0 0 लगा रहे हो आप, नहीं 1 के साथ 0 आ जाएगा। चलिए भैया अभी सबको समझ में आ जाएगा दोस्त, सब समझ में आएगा, बस ये क्वेश्चन आप 2-3-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से। देखिए तो इसको क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास कितने डिजिट के बाद है भैया, पॉइंट हटाना, पॉइंट हट जा भाई, कितने डिजिट के बाद है भैया, 2 डिजिट, तो नीचे कितने 1 के साथ 2 0 लगा दीजिए। चलिए दोस्त अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट ये रहा, ये देखिए इसको मैं कैसे, ये है भाई डेसिमल में है ना, साफ आ रहा है दोस्त, डेसिमल है ना दोस्त, डेसिमल, और डेसिमल से मुझे फ्रैक्शन में जाना, मैंने पॉइंट हटाना है, मतलब कि सीधा सिंपल भाषा में डेसिमल जो दिया होगा उसका पॉइंट हटा दो तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे 67807, ओके मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट दिख रहा है क्या इसमें, यहाँ से पॉइंट दिख रहा नहीं है, बट ये है दिखना, कितने डिजिट के बाद था पॉइंट, 1, 2, 3, तो 1 के साथ 3 0 लगा दीजिए। तो देखिए डेसिमल से हम फ्रैक्शन में आराम से आ रहे हैं ना। चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको भी हमें क्या करना है, डेसिमल में दिख रहा है ना ये नंबर, इसको क्या करना है दोस्त, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मीन्स डेसिमल वाला पार्ट हटा देना, पॉइंट हटा देना। तो हटा देते हैं 7 जैसा एज इट इज़ लिख लीजिए,
और गिन लीजिए कितने डिजिट के बाद। भैया आगे से गिनना है क्या? नहीं दोस्त, आगे से नहीं गिनना, आपको पीछे से गिनना है। तो 1 2 3 कितने लगाने हैं? 1 के साथ 3 जीरो लगा दीजिए, तो आप डेसिमल से फ्रैक्शन में इजीली आ रहे। यस या नो? अब यहाँ पर और भी देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं, और 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको खुद से दे दूँगा। ये इतना ईजी है, क्या बताऊँ। तो ये पॉइंट चलो एक और दे देता हूँ, क्योंकि बार बार थाउजेंड आ रहा था। करो भैया बार बार वही ले रहे हो, तो मैं ये आपका डेसिमल में हमें फ्रैक्शन में जाना है, तो ये पॉइंट हटा दीजिए जल्दी से। 8 4 7 तो देखिए पॉइंट तो हट गया, ऊपर में पॉइंट हट गया, बट उसके बदले हमें कुछ लगाना होता है। क्या लगाना होता है? गिन लेते 1 2 3 4 4 4 मतलब 1 के साथ 4 जीरो लगा लीजिए। चलिए लग गया ना। तो ये हाँ आप क्या देखिए, इतनी सी कॉन्सेप्ट था दोस्त कि हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाना होता है। पॉइंट हटा दो, पॉइंट कितने डिजिट के बाद था उतना ही अगले वाला जो है ना डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, 1 के साथ 0 लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद क्या था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो हमने कितना लगा दिया? 100। अब देखिए कितना डिजिट के बाद था पॉइंट, बताइए 3 डिजिट, तो यहाँ कितना लगा? 1 के साथ 3 को 3 जीरो लगा दिया। अब यहाँ भी देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3, तो इसको एज इट इज़ इसमें पॉइंट नहीं लगाना आप, इसमें पॉइंट नहीं बाबू, पॉइंट के बदले तो नीचे मैंने डिनोमिनेटर में 100,000 लगा रहा हूँ, तो वो याद होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गलती कर लेते हैं कि 7 0 7 8 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं। नहीं बाबू, तुम इसी के बदले तो ये लगाए हो, तो इसका क्या मतलब? भैया ये हटाए तभी ये लगा, ये नहीं कि ये भी आ रहा हो ये भी आ रहा, तो उससे गलत हो जाएगा आपका। तो ये वाली थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि आपको पॉइंट दिखना नहीं चाहिए, पॉइंट दिखना नहीं चाहिए, आप उसी के बदले पॉइंट के बदले तो ये लगाए हो। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन से डेसिमल में, अभी हम इससे पहले जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं कि फ्रैक्शन से डेसिमल जाने वाले यहाँ से इधर जा रहे थे, अब इधर से यहाँ जा रहे हैं, बस ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे आएगा भाई, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका हो गया, मैं आपके लिए 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ जल्दी से। दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है? चलिए तो ये आपका, इसको जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए मुझे, कुछ भी हो सकता है दोस्त, है ना, इसको कन्वर्ट करके बताइए। भैया कन्वर्ट करना मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है दोस्त, जल्दी से करके दिखाइए आप लोग। चलिए तो आपके पास 3 क्वेश्चन दिया, ओनली 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज, डेसिमल। और डेसिमल नंबर के अंदर ऐड कैसे करते हैं दोस्त, क्या करते हैं डेसिमल नंबर के अंदर ऐड कैसे करते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए डेसिमल के अंदर ऐड कैसे करते हैं, नहीं पता? चलिए आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई सा भी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ये हमारे पास 2 डिजिट वाला हो गया भाई, 2 डिजिट वाला। आपको क्या करना है, आपको बच्चे बन जाना है पहले, बच्चे रफली सॉल्व करना। मैं यहाँ जो सॉल्व कर रहा हूँ वो रफली सॉल्व करना, या आंसर में भी कर लोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला एज इट इज़ है ना, एज इट इज़ है ना, एज इट इज़ लिख लीजिए। आपको क्या करना, नेक्स्ट वाला उतारने जा रहे हो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर को उतारने जा रहे हो, तो क्या करना है, उतारने से पहले पॉइंट इस नंबर के नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए। आप क्या होगा, इससे क्या होगा, अगले वाला उतारोगे ना तो पॉइंट के इधर जो नंबर होगा इधर उतारना, पॉइंट के उधर होगा तो उस साइड उतारना। तो पॉइंट के इधर क्या है भाई, 4 और 6 है, पॉइंट के उधर क्या भैया, 2 है, तो इसको क्या करना है भैया, प्लस करना, तो कर देते हैं। 3 2 क्या हो जाता है भाई, 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल देंगे, 0 4 क्या, 4 हो जाता है, 7 6 क्या होता है, 13। ये आपका आंसर आ गया दोस्त, इतना इजी, यस इतना इजी है आपके लिए। चलिए भैया जब आपके पास 3 डिजिट वाले नंबर को ऐड करना होगा, चलते हैं वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं इसके लिए पेन चेंज, चलिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि पहला एज इट इज़ उतार लेना है, उतार लेते हैं क्या, उतार लेते हैं। चलिए 6 4 पॉइंट 3 4, अब मैंने बोला नेक्स्ट वाला उतारने जा रहे हो, क्या कर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए। आप अरे भैया इसमें 60 में तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा, अरे बाबा मैंने आपको बताया ना कोई नंबर है उसके पॉइंट नहीं दिख रहा तो कहाँ होता है, जल्दी बताओ, लास्ट में होता है ना भैया, यस। तो पॉइंट के इधर हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो भैया क्या होता है, 0 0 नहीं होता, आपको याद होगा ना, इसको कैसे रीड करोगे, 60 रुपये 0 पैसा, 0 0 पैसा, यस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देख लीजिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई गलत किया क्या मैंने, कुछ जुनून करा क्या, नहीं। अब भैया
भैया नेक्स्ट भी है, मैंने बोला कुछ नेक्स्ट वाला उतारने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। अब इससे क्या होता है कि पॉइंट के यहाँ पर पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर दिया, सपोज मान लो पॉइंट के इधर क्या है 7, 6, पॉइंट के उधर क्या है 2, ये आपको क्या करना है ऐड करना है, ऐड कर लेंगे। भैया यहाँ कुछ नहीं तो कम जोड़ी बना लीजिए, इसका जोड़ी नहीं था मैंने 0 से मतलब जोड़ी बना दिया है ना, पेयर बना दिया। चलिए 400 क्या होता है 4 ही आएगा, 32 क्या हो जाता है 5 है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ऐड में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। अब देखिए 47 क्या होता है 11 होता है, 1, 6, 6, 18, 18, 19, यस या नो, ये आपका आंसर आएगा। इतना ईजी है दोस्त, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का हो आपको जो मैं तरीका बताया जो फॉलो करना है इसी को फॉलो करते हुए आप जितने डिजिट का हो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो मैं क्वेश्चन दे दूँ क्या, ये आपको क्लियर हो गया, ये कहीं कहीं बच्चे को दिक्कत आता है, तो आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए। कितने क्वेश्चन दे दूँ, दो ही दे देता हूँ आपके लिए। चलिए 3 क्वेश्चन देखिए, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया 4 देखिए दोस्त, 4 क्वेश्चन आपको ये खुद से करना है दोस्त। देखिए मैथ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि करने से आएगा दोस्त, ये नहीं कि आप किसी का मुंह देख रहे हो और बस भैया बोले देखने के लिए आप देख रहे हो, नहीं बाबू देखने से नहीं आएगा करने से आएगा, है ना। यहाँ 4 डिजिट दे देता हूँ, 4 डिजिट में भी क्या करना है दोस्त, जो फॉलो बताया था जो तरीका बताया था 4 है दोस्त, वही फॉलो करते हुए क्वेश्चन आराम से होगा, यस या नो, होगा कि नहीं, यस होगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पर तो हमने ऐड का सीख लिया, अब वैसे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन का सीखने वाले दोस्त। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, घटा करना होता है जब हमारे पास 2 डिजिट हो। और देखो डेसिमल करने से पहले रूल्स आने चाहिए दोस्त, क्योंकि देखो अभी तक तो कहीं दिक्कत नहीं आ रहा रूल्स का काम नहीं, बट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे 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 हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट में आ जाएगा। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर होगा तो आप आराम से कर लोगे। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे डेसिमल नंबर को, तो देखिए आपके सामने कैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए ये आपके सामने हो गया, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इसमें डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर है, माइनस करना है, माइनस दिख रहा है। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, याद होगा रूल्स, यस याद होगा कि अलग दो नंबर का साइन अलग होता है तो हमेशा क्या करना होता है क्वेश्चन को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन आ गया, बट माइनस कैसे करते हैं, अब हमेशा याद रखना कि माइनस हम बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। इस दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बताइए, बताइए। अब इसको कैसे रीड करो, 70 रुपीज़ 3 पैसा, अभी 97 रुपीज़, अब बताइए इस दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है दोस्त। तो आप बताइएगा भैया ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यस भैया आप तो बता रखे हैं। तो बड़े वाले को फर्स्ट लिख लीजिए, जो ग्रेटर है उसको पहले लिख लीजिए। आप क्या करना है, नेक्स्ट वाला उतारने से पहले क्या लिख लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जैसे ऐड वाला प्रोसेस था ना, इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या याद रखना है कि बड़े को पहले लिखना है और छोटे को लास्ट मतलब बाद में लिखना है, बट ऐड में ऐसा कुछ नहीं था, जो सिस्टम पहला लिखे फिर सेकंड लिखे वही याद रखना है। बट इसमें क्या करना है, पहले बड़े को पहले लिखना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड में करते थे वैसे सब्ट्रैक्शन में करेंगे, कि पहले वाला उतार लिया, नेक्स्ट वाला उतारने से पहले ही पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद हमारे इधर क्या है 0, 7 और पॉइंट के इधर क्या 3। अब मैंने बताया इसको लाइन डाल दीजिए, यहाँ इनकम्प्लीट है तो 0 से पेयर बना दीजिए। अब क्या करना भैया, माइनस करना, माइनस कर ले, 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, जल्दी बताइए दोस्त जल्दी, 6 बचेगा, यस पॉइंट के नीचे पॉइंट, जैसे ऐड में हम पॉइंट के नीचे पॉइंट डालते तो यहाँ भी पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे। 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा। चलिए तो आपका ये आंसर आ गया, यस या नो। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये आपका रफली काम होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिख दीजिएगा 2767। भैया आंसर सही है नहीं दोस्त, ये आंसर सही नहीं, आपको थोड़ा रूल्स के बारे में याद होना चाहिए कि प्लस माइनस तो माइनस होता है, क्वेश्चन जो बोल रहा हम कर देंगे बट साइन किसका लगता है, आंसर से पहले हमें लगता है इस दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा बड़ा, भैया ये बड़ा है, उससे जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वही आंसर में उतर जाता, तो आंसर से पहले मतलब बड़ा नंबर के आगे तो माइनस का, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको याद हो गया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ऐड भी खत्म, सब्ट्रैक्शन खत्म। तो भैया आपने एक बताया खत्म गया, नहीं दोस्त मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, चलिए इसको भी कर लेते जल्दी से। एक बच्चे को दिक्कत आया था, मैं आपका उसका क्लियर करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर वही केस आ गया कि भैया प्लस माइनस माइनस होता है,
इस दोनों में से आप बताया था माइनस में बड़े को लिखते हैं तो भैया यहाँ 97 रुपये ये भी है 97 ये, तो देखो रुपये रुपये से कंपेयर कर लिया, बराबर है ना, तो आप किसको कंपेयर करोगे, पैसा पैसा में देखेंगे, तो पैसा में कौन सा बड़ा है भैया, ये है, तो सपोज मान लो यही बड़ा होगा ना, रुपये रुपये में देखो 97 ये भी है 97, तो रुपये रुपये तो बराबर हो गया, तो हमें ये पता करना एक्चुअल में है बड़ा कौन, तो देखो आप पैसे की बात ही आ गई, पैसे में चेक करेंगे, तो पैसे में देखो ये बड़ा है ये छोटा, तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला ग्रेटर, तो ग्रेटर को क्या कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, तो 97.98 और नेक्स्ट वाला लिखने से पहले क्या लगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 97, पॉइंट के इधर क्या है 47, ये आपको याद होना चाहिए, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 4 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 0 0, ये आपका आंसर आ गया भैया, आंसर तो आ गया, यहाँ लिख दीजिए, ये रफली काम है, आप आंसर यहाँ लिख दीजिएगा 0.51। अब मेरे को याद होगा, आपको याद होगा अभी कि बट साइन हमेशा कैसे प्लस माइनस, माइनस तो करना होता है बट साइन किसका लगता है दोस्त, जल्दी बताइए भैया, ग्रेटर न, ग्रेटर नंबर तो ये, उससे पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो आंसर में वही उतर जाएगा, यस नो, उतर जाएगा ना, चलिए ये आपका आंसर आ गया दोस्त, भैया ये रफली है, आप रफ कर लो या आंसर के अंदर भी कर लोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, चलिए भैया इसके मैं दो क्वेश्चन तो करवा दिया, ऐसे करना है क्वेश्चन, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, तीन क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं जल्दी से, वही दिमाग खोल के रूल्स को याद करते हुए करना दोस्त, नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर मेरे को आप कहोगे भैया आपने कैसा बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो गया भाई, मतलब मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसकी बातें करते हैं जल्दी से, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई 100 भैया ऐसा होगा भैया, आपने तो अजीब कर दिया भैया, 10 चलिए हेलो, देखिए पांच क्वेश्चन हमारे सामने, इसको कैसे करना है वो बताता हूँ आपको, तो इसके लिए देखिए कुछ नहीं करना होता है, इसके लिए मैं जो बताया था वही याद रखो, ये हमारा डेसिमल में है ना दोस्त, डेसिमल में है ना, तो हम इससे पहले क्या सीखे थे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाता है पता है ना, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाते ही हमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यस या नो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे 702 लिख दूँ और इसको पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ गया मल्टीप्लाई 100, यस या नो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस, तो क्या करेंगे भैया, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, यहाँ पर बताऊँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सीन क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि ऊपर ऊपर जैसे ये हो गया काटने का सीन होता है कि ये दोनों नंबर सेम टेबल में आता है, यस, कितने बार में आता है, दो के टेबल में दो, एक बार में आता है, दो के टेबल में 02 बार में आता है, इसका आंसर 2/1 लिख सकते हैं, ये काटने वाला सीन होता है, मतलब ऊपर नीचे सेम आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि 100 है और नीचे 200 है, तो आप क्या करो, 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बट आप ऐसा मत कर देना 001 है और नीचे 201 है, तो आप ऐसा मत कर देना 0 से 0, भैया आप ही तो बताए थे 0 से 0 काटना नहीं दोस्त, मैंने बताया था लास्ट में कोई नंबर हो उसके बाद लास्ट में 0 हो, तब ऐसा चीज़ करना, आप ऐसा मत कर देना कि 201 है और 101 है तो आप बीच का 0 उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना दोस्त, हाँ कुछ बच्चे किए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, ये मेरे को अपने सपना नहीं आया कि मैं ऐसा बता कर रहा हूँ, नहीं कुछ बच्चे किए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए तो भैया इसको मैं ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे काट दूँ क्या, नहीं दोस्त, मैंने बताया ना लास्ट में 0 होगा तब, मतलब ये ऐसा नहीं करना, तो कैसा होगा तो करना है 0 0 होगा और इधर 0 0 होगा, तो आप ये 0 से ये काट देना, ये 0 से ये 0 काट देना, तो आपका आंसर क्या आएगा 4/1, और 4/1 का मतलब 1 हटा दो, आंसर आपका क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा दोस्त, तो ये इतना बड़ा प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कैसे आएगा भैया, बार बार करना है, प्रैक्टिस करना है तो समझ में आएगा, तो ये सीन हटा देते हैं जल्दी से, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया अभी, चलिए तो इसका देखिए यहाँ पर मैंने डेसिमल में मतलब फ्रैक्शन में ऑलरेडी हम सीख चुके थे, वहाँ पर क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन दिया था, आपको आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो वो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, 2 टाइम देख लीजिए, तो मैंने अभी बताया कि ये 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब देखो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर, ऊपर नीचे में हम 0 0 काट देंगे, तो क्या बचा आप आंसर में 702 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कुछ नहीं करना, एज इट इज नंबर लिख देना और एक 0 बढ़ा देना,
एक जीरो बढ़ा देना है। भैया इसका एक थोड़ा सा और दीजिए, चलिए मैं आपको बताऊँ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, 102 लिख के एक जीरो बना दोगे, 78 होगा, 0 मल्टीप्लाई 10 होगा, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, पहला वाला एज इट इज़ लिख दीजिए और मल्टीप्लाई है ना 220 लगा दीजिए। भैया अभी समझ में नहीं, अरे रे रुक जा दोस्त, सब समझाऊंगा आपको, देखो ना यार क्या करना है, पहले वाला एज इट इज़ लिख लेना है 1678 मल्टीप्लाई कितने जीरो भैया, 3 लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। भैया अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, रुक जा लास्ट है, लास्ट है, ढंग से देख एकदम फोकस। चलो इसका क्या करोगे, पहले वाला एज इट इज लिख दीजिए 800 और इसके बाद कितना जीरो भैया, 3 लगा दे, ये आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, यस भैया अब आ गया भैया, तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया भैया कैसे किया ये वाला सीन, तो यहाँ इस वाला प्रक्रिया से किया। ओके अब ओके बाद क्या करना है, देखो ये इसको भी ऐसे करना है कि भैया डेसिमल में दिया है ना, डेसिमल में दिया है ना, इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करने आता है, यस तो कर लेते हैं। तो 642 पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया सपोज, तो नीचे कितना आएगा, एक डिजिट के बाद था पॉइंट तो 10 आएगा, यस या नो, और इनटू क्या कर देंगे 200 कर देंगे। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैंने बताया था भैया डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 0 से 0 ऊपर नीचे कट जाएगा है ना, तो कट गया। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 6420 मल्टीप्लाई 20। भैया आपने बताया था कि ये एज इट इज लिख दो, 6424 लगा दो, हाँ भैया यही करोगे, अरे ना बाबा ना, अब मैंने बोला 1 यहाँ पर होगा तब ऐसा सीन करना, 1 था ना यहाँ पर, 1 था ना तब ऐसा सीन कर रहे थे, बट यहाँ पर 1 की जगह 2 है, तो इसको तोड़ नहीं सकते भैया, तोड़ नहीं सकते, तोड़ने का मतलब क्या, 6420 मल्टीप्लाई 2 × 10 नहीं लिख सकते। तो पहले क्या करना है, 2 को ये पूरे नंबर के साथ इंटू कर लीजिए। भैया मुझे नहीं आता इतने का टेबल, मुझे नहीं आता, भैया बच्चा बन जा, इस छोटा स्टूडेंट नहीं जानते, देखो कैसे करते, 2 को कर लीजिए, 2 का टेबल 48 है ना, 4, 8 और 12, देखिए ये बच्चा बन के मैंने सॉल्व कर लिया, तो मुझे पता चल गया इस दोनों को सॉल्व करने पर मेरा क्या है 12, 8, 4, 8 आ गया मल्टीप्लाई 10। आप कर सकते हैं ये वाला ट्रिक, आप कर सकते हैं ऐसे वाला ट्रिक, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैंने बोला था एज इट इज़ लिख दीजिए 2848 और 0 का 0, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है भैया ये कैसे आएगा, भैया एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, कम से कम 10-20 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बार बार करिएगा, और हफ्ते में एक दो बार तो करना ही पड़ेगा तब आएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम किया और आप महारत हासिल कर रहे हो मैथ में, ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप बेटर बनते जाओगे। तो ये प्रक्रिया समझ में आ रहा है भैया, इसको भी समझा दूँ ना, चलो समझा देते हैं। चलो इसको मैंने बोला भैया डेसिमल में, भैया डेसिमल में दिख रहा है, भैया डेसिमल में दिख रहा है तो मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, यस भैया तो एज इट इज़ लिख लेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे भैया, लिख लेते हैं 7, 8, 8। भैया पॉइंट गायब कर दे, भैया पॉइंट गायब किया कितने डिजिट के बाद था भैया 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, भैया इसमें भी पॉइंट हटा दे दोस्त, हटा दिया 3, 4 कितने डिजिट के बाद था भैया, पीछे से गिनो 1, 2, तो भैया 1 इसके साथ। भैया इसको कैसे सीन करेंगे, भैया इसको कैसे करेंगे, भैया इसको करने के लिए मैं बताऊं आपको, कुछ ट्रिक तो नहीं लगने वाला, 1 तो है ही नहीं है ना, तो इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। आप कैसे करेंगे भैया, इतने का टेबल नहीं आता, आपको क्या करना है, इसको 7848 को मल्टीप्लाई करना है 1034 से, इसको मल्टीप्लाई करके अब कोई भी आंसर आया, कुछ भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बता सकते हैं कि आप, नहीं बता सकते तो मुझे भी याद नहीं है, इतने बार मैंने ले लिया बस समझा, इसको इससे इंटू करोगे मतलब प्रोसेस लंबा जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, समथिंग कुछ आंसर आ गया, मैं सपोज मान लेता हूँ ये आंसर आ गया है ना, ये आंसर आ गया मान लो, बट ये आया नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में लगेगा टाइम, आप कर लेना, मैं अज्यूम कर लिया कि ये आंसर आया, मल्टीप्लाई करने पर मेरे को ये आंसर मिला, अब देखो ये आपस में इंटू हो जाता है, नीचे नीचे वाले से इंटू हो जाता है, भैया सीन तो वही हो गया, ये पहला लिख दिया उसके बाद 20 है, 20 सही है, बात समझ में, इसको फिर क्या कर देंगे भाई, इसको कन्वर्ट फ्रैक्शन में तो आ गया, इसको हम डेसिमल में ले जा सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमारा नहीं होता, तो यहाँ दिख रहा है ये गया यहाँ गया, ये कटा पॉइंट यहाँ गया, ये कटा यहाँ गया, ये पॉइंट कटा यहाँ, तो आप पॉइंट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसका आंसर 8.4784 लिख सकते हैं, यस भैया ये आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा और बताऊँ, ये क्वेश्चन आप तो कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सीन बताओ क्या होता है,
यहाँ समझ ले क्या यहाँ दिख रहा है दोस्त? चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे से होता है, मतलब 4 2 × 3/5 में रफ एकदम छोटा सा ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई सीन है तो फ्रैक्शन में है तो ऊपर ऊपर से होगा, तो क्या लिख दोगे 12, और इसको इससे इंटू करोगे तो क्या लिख दोगे 10। तो ये वाला सीन हमेशा होता है, तो यही सीन यहाँ पर हम अप्लाई करें। यहाँ तो छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, यहाँ बड़ा सा था तो उसको हमें रफली सॉल्व करके हमें जो आंसर आएगा यहाँ पटक देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रख दिए, उसके बाद पॉइंट लगा दिए। तो ये हमारा क्या था दोस्त, मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भैया, डिवाइड, लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम आप डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं दोस्त। तो चलते हैं, डेसिमल क्या होता है, देखो डेसिमल तो हम ऑलरेडी समझ सकते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं अब। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा होगा 3/ ऐसे हो गया, मतलब कि डिवाइड, देखो डिवाइड का छीन है ना ये, तो आप समझ डिवाइड है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये सारे लिख लेता हूँ आपको, देन उसके बाद समझाऊँगा। चलिए तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन और डिवाइड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा डेसिमल नंबर का। तो देखिए आपके सामने क्या है, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको पहले तो हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ उतार लूँ क्या, चलो उतार लेता हूँ 7 0 3। तो भैया आपको अभी याद होगा कि हमारा ये डेसिमल में है ना, डेसिमल में है तो हमेशा किस में कन्वर्ट करने का सोचेंगे, फ्रैक्शन में, किस में दोस्त, फ्रैक्शन में। तो कर ले क्या, नहीं अभी मत करो, अभी मत करिए। अब क्या करना है, इसको चेंज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए दोस्त, चेंज कर दीजिए, किस में चेंज करोगे भैया, मल्टीप्लाई में, इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, इसको चेंज कर दिया डिवाइड का चेंज, किस में मल्टीप्लाई में चेंज, तो इसके आगे क्या है 100, तो इसका भी उल्टा कर दो, नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं ना, नीचे कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखना कोई नंबर, कोई नंबर है वो टीका किस पर रहता है 1 पर, किस नंबर पर टीका होता है 1 पर, तो सपोज नहीं दिख रहा था बट है होता है 1, तो ये इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, यस या नो, यस। अब इसका प्रोसेस करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया भाई, मल्टीप्लाई का फॉर्म हम ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 7 0 3/ ऐसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला सीन लग गया, ये ऊपर से इंटू हुआ, ये इससे इंटू हुआ, 7 0.3/1 ऊपर होगा तो यही आएगा और 100 / 1 ऊपर होगा तो यही आएगा। अब देखो इसको कैसे करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा दें थोड़ा सा, कि भैया इसको मैं हटा सकता हूँ, पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ जाएगा, इंटू 10 से 2 के बाद होता 100 से 3 होता, तो समझ रहे हो ना, तो वो सीन हो रहा भाई। तो इसका क्या आंसर आ गया, 7 0 3/ क्या आ गया, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 भैया देखो ना, 100 और एज इट इज 1 उतार दिया भैया, ये तो फ्रैक्शन में आ गया भैया, ये तो आंसर आ गया, यस आंसर आ गया। इसके आगे हम क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया है तो आप क्या कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट नहीं होता तो यहाँ होता है, इसको गया यहाँ गया, ये गया यहाँ गया, ये गया यहाँ, तो पॉइंट के आगे हम एक जीरो लगा देंगे, 7 0 3, ये आपका आंसर आ गया, बहुत क्लियर, बहुत ईजी है। चलिए भैया आप हमारे सामने इसको भी सॉल्व करके दिखाओ, चलो करते हैं। तो इसको मैंने पहले क्या बोला, क्लियर कर लीजिए, किस में, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 10 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद था ना दोस्त, वाह याद करो पीछे वाली। अब इसको क्या कर, मल्टीप्लाई चेंज कर लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ये ऊपर चला जाएगा और 2000 नीचे आ जाएगा, चलो यस भाई, इस 1 का टेबल इतने ऊपर होगा तो यही आएगा आंसर, यस। अब क्या करना है, अब इसको इससे पढ़ना, मैंने बोला एज इट इज़, पहले वाला एज इट इज़ लिख दो या दूसरा वाला एज इट इज़ लिख दो, है ना, इनटू क्या करना, 100, 10 से करना है ना, 1 यहाँ होगा तो 0 उतर जाएगा। अब क्या करना भैया, इसको मैं ऐसे तोड़ नहीं सकता, 7 0 2 × यस या नो, ये बताइए, तोड़ सकते हैं ना, और ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, यस। तो क्या करना होता है इसमें, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए दोस्त, नहीं पता भैया, मैं इसको रफली सॉल्व करता था, रफली कैसे, बच्चा बन के करता था, और जो आंसर आता है यहाँ चेप कर, इसको हम डेसिमल
फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, हाँ भैया वैसे ही करेंगे, तो इसको क्या करते हैं हम, बच्चे बन जाए क्या, हाँ बन जाओ भाई यहाँ पर मैं बच्चा बन जाता हूँ, तो ऊपर वाले को पेटवा में डालते हैं, यस भैया पेटवा में डालो, नीचे वाले को सेडवा में डालते हैं, इसको सॉल्व करिए दो, तो क्या जाएगा सेवन के पहाड़ा में, जल्दी बताइए गलत कर दिया क्या, थ्री आएगा ना, क्या हाँ ध्यान है भाई आपका, फाइव कट गया, कट गया भैया, फोर आ गया, टू आएगा, चलिए फिर टू आ गया भाई, टू कट गया, जीरो फिर टू आएगा, फिर वन, तो इसका कट गया भाई, तो क्या आंसर आया भैया, इतने प्रोसेस को सॉल्व करने पर मेरा ये आंसर आया ना भैया, कहाँ पर डालोगे, यहाँ पर इसी को तो सॉल्व करके ये आंसर आया ना, तो इसकी जगह ये वाला आंसर टेप दीजिए, तो क्या आंसर टेपोगे, थ्री फाइव टू वन, ओके ये बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भैया, इसके नीचे तो 10,000 था ना भैया, 10,000 था ना, उसको लिख दीजिए। अब क्या करना है भैया, पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ये पॉइंट गया, पॉइंट आगे गया, ये कटा तो पॉइंट इसके आगे गया, ये कटा पॉइंट यहाँ गया, ये कटा तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया। चलिए तो आगे शिफ्ट होते ही हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, थ्री फाइव टू वन लिख देंगे, यही आंसर आया, यस भैया, भैया पॉइंट के आगे मैं जीरो लगा दूँ, हाँ लगा दो भैया आपकी मर्जी है, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्त। तो भैया आप बहुत इजी से समझा दी हैं कि हमेशा याद रखना डेसिमल में दिया होगा, डेसिमल दिया तो हमेशा मतलब हमेशा काम करना क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की सोचेंगे, फ्रैक्शन में करते ही हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके सामने है तीन क्वेश्चन, ये भी बताओ क्या, चलो ये बता देता हूँ, फिर आप दो क्वेश्चन घर से कर लेना। चलिए तो पहले भैया इस क्वेश्चन डेसिमल है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी बताओ भैया, फ्रैक्शन में, यस भैया आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं, जीरो थ्री फोर, और नीचे क्या लगे, हंड्रेड, भैया हंड्रेड क्यों, हंड्रेड इसलिए कि ये दो डिजिट के बाद है, हाँ भैया आप समझ में आ रहा है भैया, इसको चेंज करने के लिए बोलते थे, डिवाइड का चिन्ह आते ही हमें किस में चेंज करेंगे भैया, मल्टीप्लाई में, वेरी गुड, इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, वन ऊपर चला गया भैया, इसके नीचे वन डाल लो ना, वन ऊपर गया ये नीचे गया, तो सीन देखो कितना अच्छा हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके मतलब इतने वाला अगर टेबल इतने ऊपर हो तो वन ही आएगा, यस या नो, तो क्या आएगा जीरो थ्री फोर, और इसको इससे इससे इंटू करोगे तो फोर जीरो जीरो, और एज इट इज़ ये वाला इससे आंसर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया, मैं इसको कैसे करूँगा, कैसे करूँगा भैया, इसको आप ना 234 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 00 उतार लीजिए, कितना है चार है ना, वन लगा दीजिए। अब इसको इससे रफली सॉल्व कर लीजिए, पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं यहाँ उतार लेता, और ये तो आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्त, ये मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ साफ साफ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए समझाने में, 24 मल्टीप्लाई 11, चलिए तो इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूँ बट्टे में, है ना, तो काटने की कोशिश, टू से काटता हूँ, टू के टेबल में फोर, टू बार में जीरो, है ना, वन सेवन, यस इसका ट्वेल्व आ गया, ओके अब ट्वेल्व के टेबल से नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे, हम बच्चे बन जाएंगे, जीरो वन सेवन अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई 10,000, यस भैया, तो क्या करेंगे इतने वाले पोर्शन को हम रफली सॉल्व कर लेंगे क्या, यस भैया कर लो जल्दी से, 2017 इसको रफ सॉल्व करो 12 से, 12 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता भैया, वन भर में 12 ही आता है, एक 8 आ गया, एक इसको दे दोगे, 12 के टेबल में 91 आता है क्या, जल्दी बताओ क्या आता है दोस्त, 12 के पहाड़े में 81 कितने भर में आता है, नहीं आता, इससे पहले क्या आता है 90, जल्दी बताओ 12 5 60 72 कितने भर में आता है, 6 बार में क्या, सिक्स बार में, चलिए सिक्स बार में क्या आता है, सिक्स बार में आता है, यस सिक्स बार में आता है, कितने बार है 72, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, यस या नो, 9 आएगा, अब इसको यहाँ लिख दीजिए, अब 12 के पास 97 तो नहीं आता बट 96 आता है 8 बार में, आता है ना 8 बार में 96, यस या नो, आता है ना, इसको सॉल्व करने पर मेरा 2 नहीं मिलेगा 1 मिलेगा, है ना, अब क्या करेंगे भैया, इसमें 12 के टेबल में 1 जीरो लगा लीजिए, जीरो लगा तो यहाँ पॉइंट लगाइए भैया, अभी भी कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, कम पड़ रहा है ना, तो एक और लगाओगे तो क्या करोगे, जीरो लगा दीजिए, सही है तो आपका आंसर आ गया, जीरो जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया मैंने, इसका आंसर क्या आएगा 90,
68 बार में। तो इसका अल्टीमेट यही आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना। मैं रफली सॉल्व किया तो इसका आंसर इतने वाले पोर्शन का क्या आंसर आया, 1680.8 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे नीचे वाला पूरा। अब याद होना चाहिए इसको हमें फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में ले जाना है। ये कटा पॉइंट यहाँ ऑलरेडी हमें दिख रहा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट आगे गया ये कटा तो पॉइंट यहाँ गया, ये कटा तो पॉइंट आगे गया, ये कटा तो पॉइंट आगे गया, तो इसका आंसर 0.16808 आ गया। ये आपका आंसर आ गया दोस्त, तो लिख लीजिए कर लीजिए। तो अब हमने पूरा डेसिमल का पोर्शन कंप्लीट कर दिए भैया। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम डेसिमल नंबर के प्रैक्टिस के वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसको हम करके भी दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग।